हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो कंडीशंस। एक आपको जनरली सर में गैस चढ़ना और उल्टियाँ होना, ठीक है, गैस्ट्रिक हेडेक जिसको बोला जाता है। सेकेंड कंडीशन की हम बात करते हैं जो कि माइग्रेन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है आधा शीशी दर्द। जनरली भाषा में इसको आधा शीशी दर्द बोलते हैं, मेडिकल टर्म में इसको माइग्रेन बोला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, दोनों में थोड़ा वो डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। जनरली देखा जाए, जब पेशेंट को लगता है कि हाँ मेरे सर में गैस चढ़ गई है और उसको उल्टियाँ हो जाती हैं, तो उसको लगता है सर में गैस चढ़ी और उल्टी हो गई है, बट उसका दर्द अगले 24 घंटे और अगले 48 घंटे तक कंटिन्यूसली बना रहता है। महिलाओं में अधिकतर ये प्रॉब्लम होती है। मेडिसिन खाने से भी उनको आराम नहीं मिलता है, उल्टी होने के बाद भी उनको आराम नहीं मिलता है, उनको धुंधला भी दिखता है, और एक खास सिम्टम आता है कि उनको बहुत तेज़ सर दर्द रहता है। मतलब बहुत तेज का मतलब इंटेंस वाला, अगर अगर टच करते हैं तो भी दर्द होगा, कुछ बांध नहीं सकते हैं तो भी दर्द होगा, बार बार उल्टी आ रही हैं और तेज़ सर दर्द है और उनको धुंधला दिख रहा है, जो ब्लरिंग ऑफ विजन उनका हो रहा है। तो आपको ये मत समझिए आप जो है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, पेट में जो है गैस बनी उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये आपको महीने में एक बार भी हो सकता है, महीने में तीन बार भी हो सकता है, आपको ये हर दूसरे दिन भी हो सकता है, या फिर आपको तीन महीने में एक बार भी हो सकता है। तो आपकी अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन आपके माइग्रेन की है, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलेंगे यार गैस में भी तो ऐसा होता है। अब जान लीजिए कि गैस में ऐसा इतने वॉयलेंट सिम्टम नहीं आते हैं। पेशेंट को जनरली अगर गैस बनती है, पेट में गैस बनती है, डकारें आती हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं, सर दर्द उसका ठीक हो जाता है। जनरली देखते हैं सर दर्द ठीक हुआ, पेट में हल्कापन हुआ, उल्टी हुई, सर दर्द भी हल्का हुआ, पेशेंट ठीक हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर ऐसी वैसी चीज़ें खाते हैं तो उसके बाद ये सिम्टम आना शुरू हो जाता है कि हाँ हमने आज छोले खाए हैं, राजमा खाया है, कढ़ी खाया है, बर्गर खाया है, पिज्जा खाया, तो गैस बनी, उल्टी आई, सर में दर्द हुआ, उल्टी आने के बाद जो है आराम हुआ। तो ये सिम्टम दोस्तों गैस का है। बट यहाँ पे जो मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको माइग्रेन की और गैस की दोनों कर रहा हूँ। तो माइग्रेन में क्या होता है, जब पेशेंट को बहुत तेज़ सर दर्द होता है तो वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, गैस का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है पेट के अंदर। तो उसमें पेशेंट मेडिसिन खाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन खाते हैं, कोई गैस की मेडिसिन खाते हैं, जिनटेक खाते हैं, पेंटोप खाते हैं, ओमप्राजुल खाते हैं, कोई भी गैस रिलेटेड वो मेडिसिन खाते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी कंडीशन माइग्रेन की है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है। माइग्रेन के साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक चीज़ और आती है कि आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है तो आपको लगेगा हाँ यार मुझे माइग्रेन है लेकिन मेरे साथ ऐसा भी होता है। तो एक पेशेंट के अंदर दो दो बीमारियाँ भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं कि आपको माइग्रेन भी है प्लस आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, आपको बहुत वॉयलेंट गैस बनती है, गैस वाले सिम्टम्स भी आते हैं, माइग्रेन वाले सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो आपको ये दोनों प्रॉब्लम साथ साथ हो सकती हैं क्योंकि आजकल देखा जाए तो मल्टीपल डिजीज़ पेशेंट के अंदर होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि उसको केवल सर दर्द है और कोई सिम्टम नहीं है। अगर उसको सर दर्द है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम साथ में है, या तो उसकी आई साइड कमज़ोर है, ठीक है, उसकी जो जो आँखों की रोशनी है वो कम हो रही है, या फिर उसका हाइपरटेंशन आपको रहती है, या फिर हाइपोटेंशन रहती है, या फिर उसको नींद कम आती है, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं। सिंगल जो है पेशेंट के अंदर बीमारी आजकल कमी मिलती है। पेशेंट की अगर जाँच कराते हैं तो पता लगता है उसके लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों ये तो छोटा सा डिफरेंस। आपके अंदर ये समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को जरूर दिखाइए जो कि आपको माइग्रेन डायग्नोस करके आपको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।